नमस्कार वेलकम टू सारदा समेल ना सारदा इनकी सारदा समेल ना कारसारा इडली मिग अभी पड़पे रोम रोम टेस्टिया रोम नाकूल वह कुछ एनय से रोम ना पाकल अद्काल चेनल मुदल मोदी पाक्रवें सब्सक्रेबूंग पक बेल बटन अलतेंग इवा इन पाकल नाल टेबल स्पून कड़लाप ना गोलन ब्रउन वर वरेकन अदमारी उपकूट मूणु टेबल स्पून ना वासन वरण कलर मारण लाइट गोलन ब्रउन वर वरेकन इिगापड़ की नम्बर कड़लापरपू उ अरचिक और नालु टेबल स्पून अलव पटे इधर रे टेबल स्पून सोटें पउडर पड़े वह ना इूत्र ग्राम मिग वरते वे वो अवन दूर और थ्री टू फोर मिनट्स मोतम वो वो इटल पउडर पड़नों सतने के पारे ना वो ना और कोर्स पउडर पड़नों पड़े उम ना मिगापड़ अरचि वचर कोर्सा पांगकल ना मतपोद मिगापड़ की इतने इतको तवियो मिगापड़ के तवियोपे ना इव वे नान वरते वरते मिगापड़ मिक्स पउडर पड़ी वजह इत पाई अलव इे अलव இந்த மிளகாய்ப்பொடி ரொம்ப காரமா இருக்கும் ஆனா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஷெல்ஃப் லைஃப் கூட நல்ல 6 மாசம் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே அளவுக்கு எள்ளு பொடி போட்டுருக்கேன் இதுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி போடணும் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு நல்ல காரமா இருக்கும் அதனால நான் கொஞ்சம் கூட போடுறேன் इला से मिक्स अरे कामिकेन इडली मिगापड़ी रेडी आदे पारें उ कलर एव्वलो कलरफुला ना रेड कलर इत ना कारम पटे कार सारा मिगापड़ की ना वो का वड पड़ एटर नल्टी नल पटकल नमक इतना एण ना यूस पड़ो ना पड़ी सदमी मिगापड़क यूस पड़े मिगापड़ी ना कारम सा साधारण नाल इडली सापड़व आडली सापड़वो ना अदूम इत वो आसम वोर पड़ी वजकल ना वो जेनरल पैन को अनुवे वे फ्रीसर वे आसम मेल वरी यूस पड़वा अब वासन टेस्ट एमारे मारा रोम नल्कि मिगे ना पड़ मे ट्रे पड़ी पांग रोम नल्को ड्राई रोस्ट पड़े एमें सेकल एल मट आना अंत अरपोड़ सर्द रोम नो नहीं वो कटाय ट्रे पड़ी पांग रोम नर इडली सांबार और नाबे आना और इडलिया मिगापड़ी तुटन सापाटी इड्ली साप तृप्तिये मिगापड़ी वो इड्ली दोस अड उपमा यदा कुछ तुटकल रोम नल्ना इड्लियो तुटन सापटा साधारण ना इड्ली सापड़वकू आर इड्ली सापड़वा इवन चिना पसंगकूट और दौ टेस्ट पड़ेटा वेणू केपा
ஃப்ரீசரில் வச்சா அதோடய டேஸ்ட்டு மாறவும் மாறாது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரும், டேஸ்ட் வந்து அமேசிங்காக இருக்கும். நீங்கள் கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது என்னோடய இது வந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக சமைங்க, சந்தோஷமாக சமைச்சா நம்ம பண்ணுற ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரும். எல்லோரும் அதை சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு வயிறார சாப்பிடுவாங்க, ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. அதுதான் என்னோடய இது. அதனால் எப்போவுமே நம்ம சந்தோஷமாக இருந்து சமைக்கணும், சமைச்சா நல்லா வரும் நம்ம பண்ணுற டிஷ் எதுவாக இருந்தாலும். நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த மிளகா பொடியை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சாரதா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. நான் வீடியோ போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.